उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नए कृषि कानून पर विपक्ष द्वारा राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों में फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीदा जा रहा है और आगामी रबी सीजन के गेहूं की फसल पर केंद्र सरकार द्वारा 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी किसानों के लिए निर्धारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए उनके दरवाजे हर समय खुले हैं और वे किसानों के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। कि कहीं ना कहीं उसको भ्रमित किया गया एक ऐसी विजन के साथ कि शायद उसकी क्रॉप मंडी तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उसको पहले ही होलसेलर उठा कर ले जाएंगे। और आज उसको ये समझ आ रहा है कि जब तक पीडीएस सिस्टम में पैडी और वीट की प्रोक्योरमेंट है, उसकी फसल सिक्योर्ड है और एमएसपी पे सरकार उसको खरीदेगी। और जिस तरीके से वीट का 50 रुपया एमएसपी बढ़ाया है, मैं मानता हूँ कि फार्मर को एक नई उम्मीद भी देने का अगली क्रॉप के लिए भी सरकार ने कार्य किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश और केरल की तर्ज पर हरियाणा में भी महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि शहरों के साथ साथ गांवों में भी महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों ताकि महिलाओं की आमदनी बढ़े। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर बड़ा फोकस्ड कार्य हुआ है, उसको आगे ले जाते हैं। जैसे केरल में, आंध्रा में आज के दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेल्फ सस्टेनिंग ताकत देने का काम किया, उनका ट्रांजैक्शन लेवल बढ़ाने का काम किया है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ लाकर दी है कि वो ट्रेड की ओर